Hello friends, welcome to my channel. आज मैं हूँ शोलांग वैली मनाली में और देखिए यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और मैं आपको अपने साथ शोलांग वैली का एक टूर करवाती हूँ. चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है, स्नो ही स्नो है. यहाँ पर एक स्काई हिमालय रोपवे सेंटर है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिलती है. हम लोग थोड़ी देर बैठ सकते हैं, एक लाउंज है, सोफास पड़े हुए हैं. सब लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई स्कीइंग कर रहे हैं. वहाँ पर लास्ट में बुकिंग काउंटर्स बने हुए हैं. सब वीडियोस बनाने में बिजी हैं. ये वीडियोस से हम लोगों को यादें रह जाती हैं क्योंकि क्लाइमेट और सीन्स तो हम साथ नहीं लेके जा सकते, पर वीडियोस के सारे हम इन्हें रिलिव कर सकते हैं. और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो इन्हें देख के एटलीस्ट इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. देखिए वो एक राइड है, वो राइड पर ले जाते हैं. उसका कुछ 2% का चार्ज है, 2200 और समथिंग, काफ़ी कॉस्टली है. देखो बर्फ ही बर्फ है, पैर रखने में भी डर लगता है. आधा पैर तो घुटने तक बर्फ में ही घुस जाता है. पर आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली है. संक्रांति हो चुकी है, 14 जनवरी के बाद धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए धूप अच्छी है, मौसम खुला हुआ है. ख़राब मौसम में थोड़ी दिक्कत होती है. हम लोग सुबह ही आ गए थे यहाँ पर 8:30-9 बजे तक. बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था हमने 7:30, पर वो हमारा बेस्ट डिसीजन था. स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच अर्ली विदाउट ट्रैफिक. देखिए यहाँ पे कितना अंदर तक पैर चला जा सकता है. यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मेरा पैर इसमें घुस जाएगा तो निकलेगा भी नहीं. एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी है कि हम सेफ रहें. देखिए कुछ लोग स्नो के साथ खेल रहे हैं, बच्चे स्नोमैन बनाने की जिद कर रहे हैं. छोटी छोटी शॉप्स हैं फ्रूट जूस की, कॉफ़ीज़ की. बुकिंग काउंटर्स हैं राइड्स के, एक टायर वाला राइड है. बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही एडवेंचरस है. एक ये बलून है, जूम करके बताती हूँ, पास में जाके. तो हम लोगों ने भी यहाँ पर रोप वे की राइड एंजॉय की और मेरी बेटी ने पैराग्लाइडिंग ट्राई किया. इट इज़ रियली फन टू बी हियर. चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं. अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय फ्रेंड्स.